आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट फ्राइड राइस। कोकोनट फ्राइड राइस को आप किसी भी दाल, सब्जी, चटनी या दही के साथ खा सकते हैं। इन सभी के साथ ये बहुत स्वाद लगते हैं। वेज जायका में आपका स्वागत है। आइए अब बनाते हैं कोकोनट फ्राइड राइस। मैंने एक गिलास बासमती चावल लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। पानी से धोकर इसे 15 मिनट के लिए भिगो के रखा है। अब चावलों में आधा चम्मच नमक डालकर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए, हमारे चावल पक चुके हैं। इसे एक छलनी में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक चावल ठंडे होते हैं, हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून घी लेंगे। घी गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून सरसों के दाने डालेंगे। सरसों अच्छे से चटक जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा भून जाए उसके बाद कड़ी पत्ता, एक टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल डाल के इसको रोस्ट करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून मूंगफली दाना डालेंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। देखिए, हमारी मूंगफली और दाल रोस्ट हो चुकी है। दो साबुत लाल मिर्च, 2 लंबाई में कटी हरी मिर्ची, 1 लंबा कटा हुआ प्याज। हमें प्याज को बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, इसे सिर्फ गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें और इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। एक शिमला मिर्च ली है जिसे हमने लंबाई में पतला काट लिया है। अब इस शिमला मिर्च को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, इसे ज्यादा नहीं भूनना है। कद्दूकस किया हुआ 1 नारियल लिया है, इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। सूखा नारियल डालने से चावलों में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस नारियल के तड़के को चावल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
गैस को ऑन कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। आप अपने स्वादानुसार नमक ले सकते हैं। नमक डालकर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये अब हमारे कोकोनट फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। अब कोकोनट फ्राइड राइस को एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इसको धनिया से गार्निश कर लेते हैं। कोकोनट फ्राइड राइस तैयार हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।